मुश्किल वक्त कमांडो सक 1 2 3 4। अरे रुक जा, स्टार्ट हो गए हैं वीडियो। अरे हेलो गाइस, मैं हूँ बोल्टन। आर्क के दुनिया में डे नंबर आज है 25 एंड गाइस आज एक एलिमेंटल डायनासोर को ढूंढने वाले हैं। चाहे वो जो भी हो डायनासोर, लेकिन आज एलिमेंटल डायनासोर को मैं ढूंढ के ही चलूंगा। अरे तूने बोल तो दिया, लेकिन तू कर पाएगा ना? अरे बग्स बनी मैं कर पाऊंगा। एंड गाइस पहले तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। आज मुझे जाना है गाइस टेक रेप्लिकेटर बनाने के लिए। उसके लिए गाइस मेरे पास अभी बहुत सारे इंगोट्स ऑलरेडी कलेक्ट हो गए, देख सकते हो। इंगोट्स है 5000 इंगोट्स है, ठीक है। ऑल राइट गाइस। गाइस मैंने घर को थोड़ा सा ऊंचा बना दिया, तो अभी मैं गिरने वाला हूँ। इधर मेरे को वॉल लगाना पड़ेगा यार। एंड गाइस देख सकते हो इधर एक रूम है, देख सकते हो यहाँ पे दो वार्डरोब है। यहाँ पे पूरा एग्स मैं स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। एलिमेंटल एग्स हो, एपेक्स एग्स, अल्फा एग्स, यहाँ पे एग्स स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे एग्स स्टोर करने वाला हूँ। अभी इन सब में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन सब में अभी कुछ भी नहीं है, ये बस दो ब्लू प्रिंट्स है जो कि मेरे को कल फेबल डायनासोर को मार के मिल गया था, और ये वाला मेरे को एक प्राइमल डायनासोर से मिला था, ठीक है। तो बंद करते इस दरवाजे को, और एक चीज दिखाना है आप सभी भाइयों को। लेट्स गो नीचे। अरे क्या बोल रहा हूँ। ओके गाइस यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, ये पार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो लेट्स गो बाहर। अरे तू क्या इंग्लिश मार रहा यार, लेट्स गो बाहर, लेट्स गो ऊपर है, सही से बोल लिया कर, नहीं तो बोल मत। चल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तू मेरे को सिखा मत बग्स बनी। अरे मैं नहीं सिखाऊंगा तो और कौन सिखाएगा यार। ओके गाइस तो हम लोग इधर आ गए। ये है मेरा डायनासोर फार्म, इसको भी मैंने बहुत बड़ा बना दिया, जैसे देख सकते हो बहुत ही बड़ा। इतना बड़ा क्यों बना दिया तूने? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर है। और तू बात में क्यों पट्टी कटा रहता है? अरे पता नहीं यार, इस आदमी को बहुत ज्यादा टट्टी लगता है, पता नहीं क्यों। चलो दरवाजा को, वाओ गाइस यहाँ पे कितने सारे, ओ बापरे, 1 2 3 4 5 टॉक्सिक एग कलेक्ट कर लेते हैं गाइस फटाक से। ओके सब कुछ मिल गया, ये भी टॉक्सिक एग ले लेते हैं गाइस, इसको रख के आएंगे, ठीक है। और ऊपर जाके देखते हैं गाइस, ऊपर देख सकते हो गाइस मैंने एक सीढ़ी बना दिया। इधर तो अपना ये है पैरासोर से, ओ भाई पैरासोर ने भी 2 अंडे दे दिया यार, टॉक्सिक एग्स दे दिया और भी दिया गया, पॉटी दिया है इसने। और गाइस देखते हैं इस रूम में रैप्टर का क्या सीन है, देखते हैं। एंड गाइस अपने डिल्फोसोरस को, अपने अल्फा डिल्फोसोरस को इधर मैं रख दिया हूँ। ओ गाइस वाओ, ओ व्हाट इज दिस गाइस, कंज्यूमेबल फर्टिलाइज अल्फा रैप्टर एग। ओके गाइस ये अल्फा रैप्टर फर्टिलाइज एग है, ठीक है। तो इसको, इसमें से गाइस मैं अल्फा रैप्टर को पैदा कर सकता हूँ, गाइस इसमें से मैं अल्फा रैप्टर को पैदा कर सकता हूँ। देन डेफिनेटली पैदा करेंगे ना बॉस, डेफिनेटली। ओ वाओ गाइस और अल्फा एग मिला मुझे। ओ इसने भी और एक अंडा दे दिया, लेकिन एक मिनट, तूने कैसा अल्फा एग दे दिया भाई? तू तो नॉर्मल वाला रैप्टर है। अच्छा इन दोनों ने मीटिंग कर लिया क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इन दोनों ने मीटिंग कर लिया क्या? चलो गाइस, अरे पुश क्यों कर रहा है भाई, धक्का क्यों दे रहा है भाई। ओके गाइस इस अंडे को भी ले ही लेते हैं। ऑलराइट गाइस तो ऊपर चलते हैं, देख सकते हो सीढ़ी क्या ही मस्त तरीके से लगाया ना। एंड गाइस ये अपना थेरिजिनोसॉर, फेबल थेरिजिनोसॉर, और ये काफी बड़ा है गाइस, इसका साइज देख सकते हो। ये अपना जायंट ईगल, इसका साइज काफी बड़ा है गाइस, देख सकते हो नॉर्मल जायंट ईगल से 2 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। एंड इधर अपना गाइस एल्डर मोचॉप है गाइस, एल्डर मोचॉप। एंड गाइस आप लोगों ने क्या बोला था, मोचॉप का एबिलिटी क्या है? मोचॉप का एबिलिटी आप लोगों ने बोला था ना, एक भाई ने मेरे को बोला था, अगर आप दोबारा से कमेंट कर दोगे देन डेफिनेटली इसको मैं काम में लगा सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरे पास एक फर्टिलाइज एग है, ठीक है, एक फर्टिलाइज एग है, तो डेफिनेटली गाइस मैं इस एग को यूज करने वाला हूँ। एक मिनट, थोड़ा पास में जा करके अभी इस एग को ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर वो हैच होगा, ठीक है। ड्रॉप कर दिया मैंने। ओके गाइस देख सकते हो छोटा सा अंडा है, अब देखते हैं कि इस अंडे को हैच करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। लेट मी वेट गाइस, वेट कर लेते हैं, देख सकते हो गाइस एग इनक्यूबेशन 77.6 हो जाएगा गाइस, फटाक से हो जाएगा, ठीक है। इसमें से एक छोटा सा रैप्टर निकलेगा गाइस, और इसका मैं अच्छी तरीके से देखभाल भी कर पाऊंगा क्योंकि इस बार तो मैं इधर हूं ना। ओके गाइस तो मैं और क्या करने वाला था, ओके एग्स को रखने वाला था, तो चलो एग्स को रख के ही आते हैं। एक काम कर सकते हैं, एक्स को डायरेक्ट इधर ही रख देता हूँ ना, क्योंकि मुझे कीबल बनाने के लिए चाहिए, तो यस एग को मैं इधर ही रख देता हूँ, टॉक्सिक एग को भी इधर ही रख देता हूँ। आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास अभी कितने सारे एग्स हैं, टॉक्सिक 9 eggs है और अल्फा अभी 7 eggs है, तो देख सकते हो गाइस। इसलिए गाइस डायनासोर रखना चाहिए, ठीक है, मेटिंग करने के लिए कुछ डायनासोर रखना चाहिए।
और अभी मुझे अंडे मिले हैं। कीबल्स आर द बेस्ट, कीबल्स एकदम बेस्ट है टेम करने के लिए। और इसका क्या सीन हो गया है, अभी देखते हैं इस अंडे का क्या सीन हो गया। 72.1, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है, एंड मिलते हैं गाइस। Approximately 10 hours later. अरे उज्जा यार, उज्जा बोल, उज्जा। अरे क्या हो गया, जाग गया क्या? अरे ये देख 8%, अभी भी तू सो रहा है यार, उठ कम्प्लीटली उज्जा। अरे उठ गया, उठ गया यार, तू इतना चिल्लाता क्यों है? देखा ओ गाइस 7.4, 7.3, बस ये हैच होने वाला है गाइस, ये हैच होने वाला है, मजा आने वाला है गाइस। अभी हमको देखने को मिलेगा एक छोटू सा प्यारा अल्फा रैप्टर। अरे मुझे भी देखना ये छोटू सा अल्फा रैप्टर कितना ज्यादा मौसम है। हाँ यार तेरे को भी देखने को मिलेगा ये कैसा है। ओके गाइस 5.3%, 5.2, 5% गाइस, 5% के बाद इसमें से एक बेबी रैप्टर निकलने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। मुझे देखना है कि छोटा सा अल्फा रैप्टर, या फिर मैंने आज तक के रैप्टर के बेबी को ही नहीं दिखा है, तो देखने का मौका मिलेगा गाइस। सो गाइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी हैच होने वाला है, ठीक है, ऑलमोस्ट हैच होने वाला है। ओके ओके गाइस देख सकते हो, तो मुझे तुरंत ही ये आग को पहले बुझाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये हैच होगा मुझे आग को बुझाना पड़ेगा। यस गाइस 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.543, ओ आ गया आ गया आ गया। ओ तेरी गाइस देख सकते हो कितना छोटू और प्यारा बेबी रैप्टर है गाइस, बेबी अल्फा रैप्टर। ओके इसका नाम मैं रखूंगा अभी, इसका नाम रखेंगे बॉस बेबी, ठीक है, इसका नाम बॉस बेबी रखेंगे। ऑल राइट गाइस अभी इसको लेके कैसे जा सकते हैं, ऑल राइट लेके जा सकते हैं। ओ एक मिनट गाइस, इसको तो खिलाना पड़ेगा, ये अल्फा है ना, तो एक मिनट गाइस मुझे पहले तो ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये खाएगा क्या। अच्छा खाने के लिए अभी कुछ दिखा नहीं रहा है गाइस, आई थिंक गाइस इसको पहले ना सोल बॉल्स से लेके जाना पड़ेगा। चल तुझे मम्मी के पापा के पास लेकर के चलते हैं, बंद कर देते हैं दरवाजे को, लेट्स गो गाइस, पीछे से जाना पड़ेगा। मज़ा आ गया लेकिन गाइस, हमने एक बेबी रैप्टर को देख लिया आज, एक छोटू सा प्यारा सा बेबी रैप्टर। और यार मेरे को ना यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा गाइस, नहीं तो मुझे इतना घूम के आना पड़ रहा है गाइस। हेलो रैप्टर, मैं तुम्हारे बेबीज, तुम्हारे बेबी को लेके आया हूँ। ओ भाई इतने सारे अंडे हैच कर दिया भाई, वो कितना, ओ भाई और एक फर्टिलाइजर एक मेरे को दिखाई दिया गाइस। ओ भाई तुम लोग कितना एग हैच करोगे भाई। ओके गाइस ये देख सकते हो छोटू सा बॉस बेबी। ओके गाइस तो ये क्या खाएगा, अल्फा है ना, तो गाइस इसको ना मैं हाफ करके इसको दे देता हूँ, इतना तो नहीं खाएगा बट स्टिल मैं इसको दे देता हूँ थोड़ा सा। ये खा रहा है गाइस, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, प्यारा सा बेबी रैप्टर देख सकते हो। कितना क्यूट है गाइस, कितना क्यूट है, ये देख सकते हो। और तुम लोगों ने भाई कितना सारा अंडा दे दिया भाई, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे फर्टिलाइज एग्स भी है गाइस, फर्टिलाइज एग्स भी हैं, ठीक है। तो गाइस मुझे एक फर्टिलाइज एग को लेके जाना पड़ेगा, और मैं आज ट्राई करूँगा कि एक बहुत ही बड़ा अल्फा टाइटनोबो को पकड़ सकूँ, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओ भाई इधर भी एक फर्टिलाइज एग है भाई, तो सारा कुछ ले लेते हैं, सारा कुछ, सारा एग ले लेते हैं पहली बात तो, ठीक है, ले लिया ना, यस ले लिया। एंड गाइस ये थोड़ा सा प्राइमल रैप्टर की तरह दिख रहा है ना, ये प्राइमल रैप्टर की तरह दिख रहा है, बट गाइस ये प्राइमल रैप्टर नहीं है, मैंने इसको कॉस्ट्यूम पहनाया जो कि मेरे को प्राइमल रैप्टर से मिला था। गाइस इसका देखते हैं इसका क्या सीन हो गया, इसका पहले हेल्थ देखते हैं, एक मिनट बॉस बेबी का हेल्थ देखते हैं पहले तो। ओके गाइस इसका धीरे धीरे करके हेल्थ इंक्रीज हो रहा है, डेट मीन्स गाइस ये जल्दी मैच्योर्ड हो रहा है, ठीक है। और तूने भाई इतने फास्ट तरीके से कीबल खा लिया भाई, इसको तो मैंने 9 कीबल दिया था, अभी इसके पास 3 कीबल है भाई, तू कितना खाएगा भाई, तू कितना खाएगा, ये ले और खा। तो गाइस मुझे पहले पॉलीमर ले लेना पड़ेगा, ठीक है, एलिमेंट्स पॉलीमर ले लेना पड़ेगा, क्योंकि आज एक टेक रेप्लिकेटर बनाने वाला हूँ क्रिस्टल्स। ओके पॉलीमर कहाँ चला गया, पॉलीमर ओके ये रहा पॉलीमर, इतना कम है क्या, अरे नहीं मेरे पास तो बहुत, मेरे पास तो बहुत सारा पॉलीमर था गाइस, मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉलीमर था ना। ओ ये देख सकते हो गाइस, इतना सारा भी नहीं चाहिए, एक काम करते हैं पहले तो स्प्लिट करते हैं, हाफ करते हैं और इधर रख लेते हैं। ओके पॉलीमर आ गया, तो आ गया हूँ, एंड कल शायद से गाइस यटी बॉस के साथ भी फाइट करने वाला हूँ, ठीक है। ओके गाइस तो फटाक से इधर से टेक रेप्लिकेटर बना लेते हैं, क्या हो गया, इन्वेंट्री खुल जा भाई। ओके स्ट्रक्चर्स क्राफ्टिंग टेक रेप्लिकेटर, ओके ओ ब्लैक पर्ल भी लाना था, तभी मैं सोचू कौन सा चीज़ मिसिंग मिसिंग लग रहा है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेटल इंगोट्स रख देता हूँ, ठीक है, मेटल इंगोट्स रख देता हूँ। अब क्या क्या है मेरे पास, मेटल इंगोट्स रख दिया, पॉलीमर और चाहिए क्या, वो 800 पॉलीमर है, तो और पॉलीमर लाना पड़ेगा गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ब्लैक पर्ल क्रिस्टल्स भी लाना मैं भूल गया, वही मैं सोचूं कि क्या चीज़ मैं भूल रहा हूँ। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, फटाक से घर में जा करके लेके आएंगे, अभी टेलीपोर्टेशन मशीन है ना,
तो कोई टेंशन वाला बात ही नहीं। तो कौन से वाले घर में जाऊँ गाइस? अपने दूसरे वाले घर में भी जा सकता हूँ, ठीक है? अपने दूसरे वाले घर में भी चलते हैं, चलो। ओके, आ गया हूँ अपने पुराने वाले घर में, ठीक है? ओके, पुराने वाले घर में आ गया। एंड ओ भाई इधर तो सेलेस्टियल डायनासोर है एक। इधर गाइस एक सेलेस्टियल डायनासोर है। एक मिनट रैबिट तू बाहर आ। ओ एक मिनट गाइस मेरे को एक फिनिक्स दिखाई दिया। वो फेरॉक्स वर्सेस फिनिक्स हो रहा है वहाँ पे। फेरॉक्स वर्सेस फिनिक्स हो रहा है गाइस। एक मिनट ओ भाई मैं आपको दिखाने वाला। अरे मैं ऐसे जा सकता हूँ ना? यस ओ ऐसे कैसे दिखाऊंगा गाइस ऐसे ही देखो वो फिनिक्स है गाइस। वो मार दिया भाई फिनिक्स को, देख सकते हो। अरे यार फिनिक्स को मार दिया यार। फिनिक्स है गाइस, फिनिक्स। और ये देखो, मेरे पास सेलेस्टियल किबल नहीं है ना, तो इसको हम लोग पकड़ सकते थे गाइस। काफ़ी खूंखार और स्ट्रांग दिखने वाला ये सेलेस्टियल फेरॉक्स है, देख सकते हो। अगर ये मेरे पास आ जाता तो तब बहुत बढ़िया होता, लेकिन इस बेचारे इसको मार दिया ना गाइस। अभी मैं इसके पास भी नहीं जा सकता हूँ गाइस, इसके पास भी जाना इम्पॉसिबल है गाइस, क्योंकि ये मेरे को मारेगा और मैं मर जाऊँगा, ठीक है? डायरेक्ट मर जाऊँगा। और ये फिनिक्स ही है गाइस, दिस वन इज़ फिनिक्स गाइस, फिनिक्स। अरे यार कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो घर में चलते। अभी फिर से मुझे जंप लगाना पड़ेगा, ठीक है? मैं गलत दिशा में आ गया। चलो गाइस ले लेते हैं अपना पोलीमार, ले लेते हैं। यस गाइस, अभी इस वाले टैंक रेप्लिकेटर को हम लोग बना पाएंगे, और इसको बनाने के बाद गाइस हम लोग आराम से टैंक चीजें बना पाएंगे गाइस। बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। यस गाइस इट इज रेडी। तो यस गाइस लेट्स गो होम गाइस, घर चलते। ओ मैं तो भूल ही चुका हूँ, मेरे पास तो टेलीपोर्टर था ना, तो टेलीपोर्ट करते अपने आप को। अरे ये टेलीपोर्टर थोड़ी ना था, टेलीपोर्टर कहाँ पे रख दिया? अच्छा ये वाला टेलीपोर्टर था। ओके चलो टेलीपोर्ट करते अपने घर में, लेट्स गो। ओके गाइस मैं घर आ चुका हूँ, देखते हैं एक का पहले तो देखना पड़ा। अच्छा ये लोग हैच होने वाले गाइस, किसी भी वक्त ये लोग हैच होने वाले। ये लोग मतलब यहाँ पे दो अंडा था ना, एक अंडा कहाँ पे गया? या फिर मैंने एक ही अंडे को रखा है क्या? तो रेप्लिकेटर कहाँ पे फिट होगा? इधर। ओ गाइस मुझे तोड़ना पड़ेगा, गाइस मुझे तोड़ना पड़ेगा अभी। यहाँ पे जो सीलिंग दिखाई दे रहा है ये तोड़ना पड़ेगा गाइस। इधर तो रख सकते थे ना गाइस, इतना बड़ा है क्या रेप्लिकेटर्स? भाई ये रेप्लिकेटर काफी बड़ा है, तो मुझे सीलिंग को तोड़ना ही पड़ेगा। A few minutes later. Guys, मैंने बेकार में इतना तोड़मतारी करी, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगा दिया, सीलिंग पे लगा दिया। अगर मैं सिर्फ यहाँ का सीलिंग तोड़ के यहाँ पे स्टेयरकेस बना देता तो आराम से इसको इधर प्लेस कर पाता। एंड देख सकते हो गाइस दिस थिंग इज ह्यूज, ऐसा लग रहा है कि एक ये ग्लोब है गाइस। हम लोग तेरी यार गिर गया। ओ भाई ओ गिर गया तो सही किया यार, मुझे देखना है अपना बेबी रैप्टर का क्या सीन है, ठीक है? वो हुआ कि नहीं? ओ हो, तुम तो इधर से इधर भी आ गए हो। ओ वाओ गाइस ये कितना प्यारा है गाइस, देख सकते हो कितना प्यारा है गाइस। ये फीमेल है आई थिंक, सो शी इज फीमेल। मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट कहाँ गया ये? ओके तो स्विच ऑन करते हैं। ओके देख सकते हो ओ ये फीमेल ही है गाइस। चलो मम्मी पापा के पास लेकर के चलते हैं। ओके गाइस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कितने सारे अंडे हैं। एंड ये जो छोटा बेबी बॉस था ये तो बहुत बड़ा हो गया गाइस। ओ भाई तू तो इतने जल्दी से इतना बड़ा। ओ भाई कितने सारे अंडे हैच कर रहे हैं गाइस, ये सारे के सारे फर्टिलाइज है गाइस। कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, अभी मैं इस वाले को भी निकाल लेता हूँ अपने। ये फीमेल है गाइस, निकलो गाइस। लेकिन इसको खिलाएंगे क्या? मेरे पास तो किबल है ही नहीं। एक मिनट लेट मी फाइंड आउट, मेरे पास केबल है नहीं। ये देख सकते हो गाइस अल्फा केबल नहीं है गाइस, ये तो एपेक्स केबल है ना। एंड गाइस ये तो अल्फा है ना, अल्फा रैप्टर है गाइस। तो है गाइस मेरे प्राइमल बेंच पे है, थोड़ा इंतज़ार कर ले, इसका हेल्थ देखता हूँ कितना जल्दी से गिर रहा है। ओके गिर भी रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, तो मुझे केबल लेके आना पड़ेगा। ये लोग केबल के अलावा कुछ खाते नहीं क्या? दूसरा कुछ नहीं खाते क्या? लेट मी फाइंड आउट, एक मिनट। अरे क्यों नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके आई थिंक केबल के अलावा ये लोग कुछ नहीं खाते, तो चलो गाइस केबल ही लाना पड़ेगा। एंड गाइस इसका कॉस्ट्यूम देख सकते हो, क्या ही चमक रहा है ना गाइस। ऑलराइट गाइस लेट्स गो। ओके गाइस फटाक से केबल ले लेते हैं। ओके अल्फा केबल बहुत सारे हैं भाई, सारे के सारे को लेके जाते हैं भाई। ये दोनों बहुत फास्ट तरीके से अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है? फास्ट तरीके से, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से अपग्रेड हो रहे हैं। और भी बच्चे हो रहे हैं गाइस, और भी फर्टिलाइज एग्स मिल रहे हैं गाइस। तो यार एंड गाइस मेरे को सीरियसली यहाँ पे एक दरवाज़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो घूम के ऐसे आना पड़ रहा है यार बार बार। ओके मैं आ गया हूँ मेरे प्यारे छोटे अल्फा रैप्टर, तुझे कितना दूँ? तुझे हाफ दे देता हूँ, ये ले खा, जल्दी से खा ले, खा रहा है गाइस। एंड इसके पास कितना है? वो इसके पास है ही नहीं। तू भी ये ले, 15 खा ले भाई, 15 केबल्स खा ले।
46.0% मैच्योरिटी आ ही गया, ठीक है। एंड इसके पास कितना मैच्योरिटी आएगा, 12.8%। तो ये भी बहुत फास्ट तरीके से अपग्रेड हो रहा है। एंड गाइस कितने सारे फर्टिलाइजर एग्स हैं यार, ओ भाई एग्स पे एग्स, एग्स पे एग्स, भाई साहब कितने सारे एग्स मिल रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा एग्स मिल रहे हैं गाइस। एंड इसका हेल्थ, इस एग का हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो गाइस मुझे अभी और बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है। अभी मैं इन फर्टिलाइज एग्स को लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि आज एक टाइटन बॉ को पकड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो सारे के सारे बाकी एग को ले रहा हूँ, ठीक है। एंड तू खा रहा है ना भाई, ओके ये खा रहा है। और इसका देखते हैं, इसका सीन देखते हैं, 46.9% हो ही गया, काफ़ी जल्दी से बड़ा हो रहा है गाइस। तो चलो गाइस इधर से निकल रहे, क्योंकि आज एलिमेंटल डायनासोर को भी पकड़ना है ना। A few minutes later. गाइस मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा था गाइस एक एलिमेंटल डायनासोर को फाइंड करने के लिए। एंड मुझे गाइस मिल चुका है एक फिनिक्स, एल्डर फिनिक्स बॉस गाइस, देख सकते हो। ओहो गाइस मज़ा आ रहा है गाइस, ये तो एक एल्डर फिनिक्स है। डेफिनेटली गाइस मैं इसको टेम करने वाला हूँ, डेफिनेटली गाइस मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा पास में जाकर के इसको गोली मारने वाला हूँ, ठीक है। अगर गोली मिस हो जाएगा तो गलत चीज़ ही हो जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा। और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये भाग जाए, ठीक है। ये एल्डर फिनिक्स है गाइस, एंड फिनिक्स बहुत ज़्यादा रेयरली निकलते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ग्रिफिन है, इसलिए मैं इसको इतना ईजिली पकड़ पाऊँगा, नहीं तो इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। एक मिनट, लगा एक गोली, बोरा वो बैठ रहा है गाइस, फिनिक्स वहाँ पे बैठ रहा है गाइस, ऊपर से मैं जम रहा हूँ गाइस। कहाँ चला गया वो फिनिक्स, वो गायब हो गया क्या वो फिनिक्स? वो रहा गाइस फिनिक्स, वो रहा। मेरे को लगा मैंने उस फिनिक्स को खो दिया है, लेकिन मैंने उस फिनिक्स को अभी तक खोया नहीं। इस बार एकदम परफेक्ट शॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 3, वो लगा 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 गाइस, आई थिंक वो फेंट हो चुका है, वो फेंट हो चुका है ना, आई थिंक सो गाइस फेंट हो चुका है। यस 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 यस, देखते हैं। यस गाइस फेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अर्जेंटिविज है, तो मुझे इन लोग को पहले मारना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो इन लोग को मार लेते हैं, आजा मार दिया, ओके। अभी इसको तो हम लोग आराम से मटन वटन खिला के पकड़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो गाइस कीबल की ज़रूरत नहीं है। यस गाइस रॉ मटन आराम से, और इसके पास रॉ मटन है, ठीक है। मेरे ग्रिफिन के पास बहुत सारा रॉ मटन है, देख सकते हो, रॉ मीट है, मटन नहीं है क्या? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास है क्या मटन वटन? मेरे पास कुक मीट है गाइस, कुक प्राइम मीट है, और आई डोंट थिंक सो ये कुक प्राइम मीट खाएगा, ये देख सकते हो। चलो चलो रॉ मीट ही खाओ भाई, रॉ मीट ही खाओ, देखते हैं देखते हैं, टाइम लगेगा लेकिन गाइस। एक काम करते हैं गाइस, मेरे पास टीम हेल्पर होगा शायद से, ओके। तो अब इनको भूख लगने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगने वाला है, तो देखते हैं ये खाएगी कि नहीं। गाइस मेरा लक देख सकते हो गाइस, मैं ढूंढने चला था गाइस एक एलिमेंटल, ओए 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 ओए, फिनिक्स को क्यों मार रहा है? मेरे को मार, मेरे को मार, फिनिक्स को नहीं मार सकता तू। गाइस कांड हो गया, इसने कान कर दिया, इसने कान कर दिया, मैं भी मर गया गाइस, और मैं मरा नहीं हूँ गाइस, पॉइजन इफेक्ट हो गया गाइस। अरे मैंने फिनिक्स को यार गोली मारा था, इसलिए तो गाइस मेरे को पसंद नहीं है कुछ चीज़, गाइस कुछ चीज़ें इसलिए पसंद नहीं है गाइस। मैं जाग जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। मैंने कितने मेहनत से एल्डर फिनिक्स को यार बेहोश किया था, रॉ मीट भी डाला था, और यार स्कॉर्पियन आके यार मार के चला गया यार फिनिक्स को यार। ओके गाइस मैं जाग गया हूँ इसी के कारण, इसी के कारण इसको तो मैं बहुत मारने वाला हूँ अभी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिनिक्स को मैं टेम किया था, और तू आके मेरे किल को लेता है, हाँ। जागते हुए फिनिक्स को तो कभी तू मार पाएगा, हाँ, जागते हुए फिनिक्स को तू कभी मार पाएगा? एक मिनट, इसको तो मैं बहुत बुरी तरीके से मारने वाला, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है गाइस। फिनिक्स कितना रेयर है, इतना रेयर है फिनिक्स, और कितने मेहनत से मेरे को ये फिनिक्स मिला था गाइस, कितने मेहनत से मिला था, और ये आके मार के चला गया भाई। ये गलत ही सीन हो गया यार, बहुत ही ज़्यादा अभी बहुत ज़रा दुखी हो रहा हूँ गाइस, बहुत ज़रा दुख महसूस कर रहा हूँ गाइस। कितने मेहनत से मैंने उसको खोजते खोजते इधर आया गाइस, और गाइस बेहोश भी कर लिया था गाइस, मैंने उसको बेहोश भी कर लिया था, बट इन दी मोमेंट क्या हुआ, इसने मेरा किल ले लिया। अरे यार अभी कैसे मिलेगा वो फिनिक्स गाइस, अभी कैसे मिलेगा गाइस? अब तो ये नहीं निकलने वाला है शायद से फिनिक्स, क्या ही फूटी किस्मत है भाई। बहुत ज़रा गुस्सा आ रहा है अब तो, बहुत ज़रा गुस्सा आ रहा है यार। 2000 years later. Guys, मेरे को क्या मिला आप लोग देख के पागल हो जाओगे? मेरे को elemental griffin मिला, ice griffin guys.
ये आइस ग्रिफिन है गाइस, ये आइस ग्रिफिन है। ब्रो मेरा लक इतना अच्छा कैसे हो सकता है? गाइस ये आइस ग्रिफिन है मेरा, ये अल्फा ग्रिफिन है, इसमें कुछ पावर नहीं है। लेकिन गाइस जो आप लोग अभी देख रहे हो ये सामने, ये एक आइस ग्रिफिन है ब्रो। भाई बात नहीं करेंगे, इसको उड़ाते हैं ब्रो, इसको पकड़ेंगे ब्रो, मजा आने वाला है ब्रो, मजा आने वाला है। लगाओ इसको, लगा, ये भी लगा, ये मेरे तरफ ही आ रहा है। ओके बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओ मैं क्या ही फटाक से जा रहा हूँ। ओके आ गया हूँ, ग्रिफिन का स्पीड देख सकते हो। ओहो रैप्टर ने हमला कर दिया था यार, रैप्टर ने हमला कर दिया था गाइस। ऑलरेडी इसको बहुत डैमेज मिल चुका है गाइस, तो मुझे फटाक से एलिमेंटल केबल खिला देना पड़ेगा। ओ गाइस मेरे को कुछ देर के लिए डर लग गया था कि कुछ हो गया क्या, बट गाइस फाइनली मैं इसको टेम कर पाऊंगा यार, टेम कर पाऊंगा। टेम हेल्पर भी डाल देते हैं, मेरे पास टेम हेल्पर खैर है नहीं। जल्दी से खाओ यार, रैप्टर आ सकते हैं, रैप्टर किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो मुझे यार गन लेकर के ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा गाइस। गाइस मेरे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गया है भाई। ये आइस ग्रिफिन है गाइस, ये आइस ग्रिफिन है गाइस, ये कोई मामूली ग्रिफिन नहीं है, आइस एलिमेंटल ग्रिफिन है। फीमेल है क्या? मेल है, अगर फीमेल होता फिर एलिमेंटल एग्स भी मिलते हैं यार। अरे भाई तुम खा क्यों नहीं रहे हो यार, ये खा क्यों नहीं रहा है गाइस? मेरे पास टेम हेल्पर नहीं है ना, इसके पास है क्या टेम हेल्पर? देखते हैं गाइस। ओ है ना इसके पास टेम हेल्पर गाइस, इसके पास टेम हेल्पर है ना, तो इसको दे देते हैं यार फटाक से। अरे अब तो ये मेरा हो ही जाएगा गाइस, अब तो ये खाएगा, अब देखिएगा गाइस, अब देखिएगा गाइस, अब देखिएगा गाइस। फाइनली गाइस आइस ग्रिफिन फाइनल टेम हो चुका है। ओपी बोल्टे गाइस, ये आइस ग्रिफिन है ब्रो। वाओ इसका आंख देख सकते हो, एक मिनट इसका आंख देखो गाइस, ये क्या है, ये क्या ही खूबसूरत है गाइस। जैसे कि कल आप सभी भाइयों से पूछा था कि ग्रिफिन कौन कौन से एनिमल से बनता है, तो आज इस ग्रिफिन के लिए आप सभी भाइयों को एक नाम चूज करना पड़ेगा, एक अनोखा नाम, ठीक है, एक बहुत ही अनोखा नाम। तो चलो इसके ऊपर राइड करके देखते हैं और इसका पावर्स देखते हैं। ओए ओए इसका पावर्स देखते हैं, कमान ग्रिफिन, नहीं एक काम करते हैं, पहले तो अपने वाले ग्रिफिन को अंदर कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो खतरा हो सकता है बहुत ज़्यादा। कि अब इसके ऊपर चढ़ लिया, अब ये क्लाइम नहीं कर सकता, इसका पावर क्या है? ओ वाओ, ओ कोई है गाइस नीचे, कोई प्राइमल डायनासोर है, 110% कोई प्राइमल डायनासोर। ओ एक मिनट गाइस, वहाँ पे एक एग मिला मेरे को। ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वेट नहीं करना है गाइस, यहाँ पे वेट नहीं करना है, कोई तो है। ओ मेरे को दिखाई दिया कौन है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ कौन है गाइस, इधर ही है, ठीक है, ये रहा, इधर ही है गाइस, इधर पास में ही है। तो गाइस लेकिन मेरे को ये एग चाहिए, ये एग चाहिए, देखते। ओ नो गाइस, ये एग मैं नहीं ले पाऊंगा शायद से, एक मिनट, एग को तो लेके ही जाएंगे भाई, एग तो लेके ही जाएंगे। पहले तो इसको डालते हैं सोल बॉल में, एग तो मुझे चाहिए, भले ही मैं मर जाऊंगा लेकिन एग मुझे चाहिए। ये देख सकते हो, ये आई थिंक गाइस, ये क्या है, कंज्यूमेबल? ओ ये नॉर्मल अंडा है क्या? अच्छा ये स्पाइनोसोरस का एग है गाइस। प्राइमल कार्नो हैज बीन डिफीटेड, मतलब गाइस यहाँ पे कोई प्राइमल कार्नो मरा पड़ा है गाइस। ओ मेरे को प्राइमल सोल मिल जाएगा फिर, कहाँ पे मरा पड़ा है गाइस ये? ओ गाइस यहाँ पे एक प्राइम, ओ ये रहा, ओ इसको किसने मारा भाई? इसको जिसने भी मारा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग डायनासोर ने मारा होगा गाइस, ये देख सकते हो गाइस, किसने मारा होगा गाइस इसको? ये प्राइमल क्रैंटोसोरस है, इसका हेल्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको मारा तो मारा किसने भाई, इसको किसने मारा होगा गाइस? चलो गाइस ले लेते हैं इससे, ये देख सकते हो गाइस प्राइमल ब्लड मिल चुका है गाइस, प्राइमल ब्लड मिल चुका है। लेकिन गाइस इधर पास में कोई है, ठीक है, कोई तो है गाइस, बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं आप सभी को एक चीज दिखा देता हूँ, आज मेरे साथ लक कितना अच्छा है देख सकते हो गैस। ये प्राइमल कॉस्ट्यूम मिला, कार्नो वाला कॉस्ट्यूम मिला, प्राइमल ब्लड भी मिला, ठीक है, फोकट में गैस, फ्री में मिला गैस, ठीक है, फ्री में मिला। एंड गैस चलो अपने इसको निकालते हैं, अभी इसको निकालते हैं और इसको चलाते हैं अपने आइस ग्रिफिन को, और फिर आसमान में आप सभी भाइयों को मैं शॉर्ट आउट देने वाला हूँ, ठीक है, तीन भाइयों को शॉर्ट आउट देने वाला। इसका वैसे पावर क्या है? ओ वाओ गाइस ये आइस टाइप अटैक कर सकते हैं, देख सकते हो, एक मिनट दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, दूर से ही मार दिया मैंने, दूर से ही मार दिया गाइस, एक मिनट दिखाता हूँ एक मिनट। चलो गाइस और एक बार आइस टाइप हमला यूज़ करके देखेंगे, ठीक है, इस वाले डायनासोर के ऊपर आइस टाइप हमला।
ओ ये देखो आइस टाइप हमला से मार दिया भाई, वो मैं अटक गया, लेकिन वो मैं अटक गया, भाग ले। ओ गाइस ये आइस टाइप हमला करता है और इसका स्टेमिना खत्म हो गया गाइस, मुझे थोड़ा वेट कर लेना पड़ेगा। ओके गाइस इसका स्टेमिना आ गया, अभी आइस टाइप हमला यूज़ करके देखते हैं। ओ ये देखो आइस टाइप हमला से बड़े बड़े डायनासोर को मार देता है। अब देखते हैं गाइस इस अल्फा क्रैंटोसोरस को मार पाएंगे क्या आइस टाइप हमला से। ये देख सकते हो जमा दिया गाइस, मैंने जमा दिया है, अब इसको मार पाएंगे साइड से। ये देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो मार दिया गाइस। ओ बाप रे गाइस ये आइस टाइप ग्रिफिंडो कतई ऑसम है। तो गाइस चलो शाउट आउट देते हैं। कल मैंने आप सभी भाइयों से ये पूछा था कि व्हाट एनिमल्स आर इन ए ग्रिफिन, तो आंसर है गाइस लायन एंड ईगल। ठीक है, लायन एंड ईगल से बनता है ग्रिफिन। ठीक है, देख सकते हो गाइस पीछे का पर देख सकते हो लायन का है एंड पूंछ देख सकते हो लायन का है। ठीक है, लेकिन इसका पूंछ थोड़ा सा अलग है, इसमें ईगल फेडर्स भी है। ठीक है, और बाकी का जो सामने वाला पोर्शन है वो पूरा ईगल का है। ठीक है, तो मैं तीन भाइयों को चूज करना चाहूंगा, कौन कौन से वो तीन भाई मैं बोल देता हूँ। गाइस शाउट आउट देने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस, गाइस मेरे पिछले वाले वीडियो पे गाइस 2000 कमेंट्स थे एंड आई थिंक गाइस 1900 भाइयों ने तो एकदम सही जवाब ही दे दिया था कि लायन प्लस टाइगर मिला करके ग्रिफिन बनता है। लेकिन गाइस मैंने तीन ही भाइयों को चुना है, आप सभी का भी नाम आ सकता है, नेक्स्ट वीडियो में आ सकता है। ठीक है, तो वो तीन भाई का नाम है, पहला ही भाई का नाम है क्रिएटिव माइंड, जैसे कि देख सकते हो भाई का कमेंट पढ़ सकते हो। एंड दूसरा जो शाउट आउट देने वाला हूँ वो है श्रुति पटलोला, आप लोग पढ़ पा रहे हो कमेंट। एंड जो थर्ड गाय है, थर्ड बंदा डीरॉक दी हंटर भाई ने तो एक मेरे को टिप भी दे दिया कि आप जब ऐसा स्क्रोल डाउन करके नीचे जाओगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो गाइस देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस स्पीड बढ़ जाता है, ये देख सकते हो। थैंक यू सो मच डीरॉक दी हंटर भाई फॉर दी टिप। एंड गाइस अभी आप सभी भाइयों को इसके लिए नाम चूज करना पड़ेगा, कोई ऐसा वैसा नाम चूज मत करो। ठीक है, ऐसा एक नाम चूज करो जो कि बहुत ही अनकॉमन है, ऐसा नाम चूज करो जो कि मैंने सुना नहीं लेकिन बहुत ही मतलब कमाल का है। ठीक है, ऑसम एक मीनिंगफुल नाम चूज करो। ठीक है, एंड गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो। न्यू हो चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब करो अपने बोल भाई को। एंड गाइस आज एक्चुअली न्यू गेम प्ले आने वाला था, कल आएगा न्यू गेम प्ले। ठीक है, मतलब एवरी थर्सडे एक न्यू गेम प्ले आएगा एंड बाकी के वीकडेज में आप लोग को आर्क सर्वाइवल ही देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आर्क सर्वाइवल ही देखने को मिलेगा एंड थर्सडे को एक अलग गेम प्ले देखने को मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं, ठीक है, कल। बाय बाय।